इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर आज का टॉपिक है। इनकम डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करने के हमारे दो अप्रोच हैं। दो अप्रोच से हम लोग इनकम डिटरमाइन करते हैं या इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करते हैं हम लोग। पहला अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और इनकम एंड सेविंग अप्रोच। ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। जब हम लोग इनकम डिटरमाइन करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन करते हैं, तो हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। इन दो अप्रोचों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनकम डिटरमाइन करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फाइंड करते हैं अपने इकोनॉमी के अंदर। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा एडी एंड एएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। हम लोग किस तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। इस शेड्यूल को कैसे तरह से हम लोग देखिए, कैसे एडी और एएस अप्रोच के थ्रू हमने क्या किया, एक शेड्यूल लिया है। यहाँ पे इनकम आप ले सकते हैं अपने से, कुछ भी रिवेन है आप ये सेम या इनकम को भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि आपने इनकम लेना है। इनकम है मेरा 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि सी आपको सी ले लेना है, ठीक है, एस लेना है। सबसे पहले चीज कि एडी एंड एएस अप्रोच के अंतर्गत अगर हमारा AD इक्वल टू AS हो जाता है, वो सिचुएशन हमारा होगा इक्विलिब्रियम लेवल या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कौन सा सिचुएशन, AD एंड AS अप्रोच के थ्रू व्हेन AD इक्वल टू AS हो जाए, तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल हम लोग क्या करते हैं, उस लेवल को ट्रीट करेंगे। तो इस टेबल में हम लोग सबसे पहले AD और AS फाइंड करेंगे, और AD आप ये क्या करेंगे, हमें कंजप्शन लेंगे, कंजप्शन के बाद आपने सेविंग लिया, सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसलिए सारे केस में क्या होगा, सारे इनकम पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक ही होगा। इसके अलावा हमने एडी, एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, तो हमने यहाँ कर दिया। एस इक्वल टू क्या होता है, एस और इनकम दोनों इक्वल होता है, या तो सी प्लस एस करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप इतना फाइंड करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कुछ केस में, देखिए 80 और 20 का रिलेशन देखिए, यहाँ पे एडी क्या है, एस से बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, बट यहाँ भी बड़ा है आपको। लेकिन ये सिचुएशन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा कि एडी और एस दोनों क्या है, इक्वल है। किस लेवल पे, हमारी जो इनकम अगर 400 आती है, 400 इनकम पे हमारा एडी और एस दोनों क्या है, इक्वल है, इसके नीचे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल एट द इनकम ऑफ 400 एडी इक्वल टू एस, एंड दैट पॉइंट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल, दैट पॉइंट विल बी द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर इसको हम लोग यहाँ पे शो करें ग्राफ के थ्रू शो करें, तो आप पहले तो एक्स और वाई एक्सिस आप क्या करिए, बना लीजिए। एक्स एंड वाई एक्सिस बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे लिया है एस, एस यानी कि वाई, यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, इसको बनते हैं, फिर उसके कुछ ऊपर देखिए एडी हमारा स्टार्टेड फ्रॉम द 80 एंड एस स्टार्टेड फ्रॉम द 0। तो यहाँ से हमने 80 से स्टार्ट किया एडी को, और इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पे हमारा क्या हो रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे एडी और एस दोनों इक्वल होते हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल, या तो इसको बोलेंगे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब कभी कभी सिचुएशन ऐसे आता है कि क्वेश्चन आपको ऐसे राइज करता है, डायरेक्ट अगर बोल दिया कि भाई आप क्या करिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करिए, इनकम डिटरमिनेशन फाइंड करिए एडी और एएस अप्रोच के थ्रू, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल के बाद ग्राफ बनाना है, और ग्राफ को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है कि एडी और एएस कर्व शो कर रहा है, ई लेवल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट हमारा होगा इक्विलिब्रियम लेवल यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि इस पॉइंट पे एडी और एएस क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द एडी एंड एएस अप्रोच व्हेन द एडी एंड एएस इक्वल दैट पॉइंट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, कभी कभी आता है कि अगर मान लीजिए कि AD मोर देन AS, ध्यान दीजिए अगर हमारा यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में क्या है, अगर इस सिचुएशन AD मोर देन AS, देखिए इस सिचुएशन पे हमारा क्या, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक है तो क्या होगा, और एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो क्या हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट आएंगे, क्या चीज होंगी हमारे इकोनॉमी के अंदर, क्या चेंजेस आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, यहाँ देखो इक्विलिब्रियम लेवल से हमारा एग्रीगेट डिमांड का क्या होगा, कर्व जो होगा ऊपर जाएगा ना, मैं अलग से बता रहा हूँ तो आप इसमें कुछ भी मत करिएगा, आप इतना ही इक्विलिब्रियम लेवल के लिए होता है, बट हमें थोड़ा सा इसमें अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो फर्क ये पड़ेगा
कि डिमांड अधिक हो जाएगा, यानी जो हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक था वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस मतलब कम हो जाएगा ना, क्योंकि डिमांड अधिक हो जाएंगे और सप्लाई के लिए हमने जो स्टॉक रखा था उतना ही रहेगा, तो हमारे क्या होगा, और प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी और आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, और हमारा इकोनॉमी के अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि और लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, और लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और लोगों को जॉब देना पड़ेगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये सिचुएशन क्रिएट होता है। बट इन द केस अगर हमारा एडी लेस देन द ईएस, अगर मान लीजिए हमारा एडी ईएस के क्या हो जाए, नीचे आ जाए, तब क्या होगा, अगर एडी हमारा ईएस के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नीचे आ जाए, उस सिचुएशन में हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। यानी हमने रखा था 500 मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन बिका ही नहीं, जब बिका नहीं तो प्रोडक्शन हम लोग स्टॉप कर देंगे, और प्रोडक्शन स्टॉप करेंगे तो इंप्लॉय को भी क्या करेंगे, हटाएंगे, तो वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाता है। तो यहां से सिचुएशन क्रिएट होती है, यहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आप इस तरीके से क्या करके उसको एक्सप्लेन करके आप लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडीआई और सेविंग, यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। एस एंड आई अप्रोच, सेविंग एंड इनकम अप्रोच। सेविंग एंड इनकम अप्रोच के थ्रू जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करेंगे तो एक सिचुएशन क्रिएट होगा जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो दैट सिचुएशन विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जैसे टेबल हमने लिया था वैसे ले लेंगे, इनकम ले लेंगे, कंजप्शन ले लेंगे, सेविंग ले लेंगे, और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, ऑटोनोमस इक्वल होता है हर केस में, तो हर इनकम पे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस केस में, यहाँ पे ऊपर क्या देखेंगे, और इसमें देखेंगे तो हमारा सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट से कम है हर केस में, लेकिन यहाँ पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो गया है, और इसके नीचे हमारा क्या हो गया, सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ऊपर हो गया। तो ये जो लेवल होगा, ये लेवल यहाँ पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगा, वो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा ना, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा जिस सिचुएशन पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल है। अगर इसको हम लोग फिगर यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, ग्राफ के थ्रू शो करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस आपको बना देना होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखिए आपको कॉन्स्टेंट है, इक्वल है, ऑटोनोमस है हर केस में, हर इनकम पे, तो हमने क्या करना है, एकदम सिंपल यहाँ बना देना है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जो इन्वेस्टमेंट, देखिए सेविंग माइनस से स्टार्ट हो रहा है, -40, तो आप माइनस से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखिए माइनस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करके आप यहाँ इस तरह के क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और एक सिचुएशन आएगा जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट होगा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी कोई भी आपका लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, कोई भी लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट आपका, उस पॉइंट पे दोनों लाइन इक्वल हो जाती है, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, तो इस पॉइंट पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, जिसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोलते हैं ना। तो इस पॉइंट से, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एस एंड आई अप्रोच के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सराइज होता है कि इन केस मान लीजिए कि अगर हमारा सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम है, यानी सेविंग जो है हमारा इन्वेस्टमेंट से कम है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारी सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से कम है, जब हमारी सेविंग कम होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उस पैसे को डिमांड करेंगे, यानी खर्च करेंगे। जब हम कम बचाएंगे तो अपने इनकम का पोर्शंस को कम बचाएंगे, तो अधिक से अधिक पोर्शन को क्या करते हैं, हम लोग खर्च करेंगे किसी भी गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने के लिए, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड, यानी डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा तो हमारा इन्वेंट्री क्या होगा, लेस होगा। जब इन्वेंट्री लेस होगा उस केस में, जब सेविंग कम होगा उस केस में, हमारा जो देश के अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो हमको अधिक से अधिक एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना पड़ेगा, लेबर को अपॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल हो जाता है। बट इन केस अगर हमारी जो सेविंग है वो ज्यादा हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, उस केस में हम अपने इनकम के अधिक से अधिक पोर्शंस को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, बचाते हैं। उस केस में हम लोग, डिमांड हमारी कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, उस केस में हमारी इन्वेंट्री राइजेस करेंगी, जो हमने सोचा था कि मार्केट में इन्वेंट्री को बेचेंगे वो हमारा राइज बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना सेलिंग हो ही नहीं पाएगी। उस केस में हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन करना बंद कर देता है ड्यू टू द राइज इन द इन्वेंट्री स्टॉक, तो हमारी देश के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी राइज होता है कि बताइए सिचुएशन, जब हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है या सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक है, उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या फर्क पड़ते हैं, क्या सिचुएशंस क्रिएट होती है, तो आप इसको एक्सप्लेन करके जरूर लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं मल्टीप्लायर, सबसे बढ़िया और मस्त और एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग के से शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं के, ठीक है, के इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा
वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि उसको शो करें डेल्टा मतलब इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जिसको हम लोग डेल्टा वाई से हम लोग क्या करते हैं शो करते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग डेल्टा आई से शो करते हैं। इसके अगर कुछ रिलेशन देखे थे और रिलेशन देखें तो देखिए आपको पता है कि वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है, तो इसमें हम लोग अगर डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई करें, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें डेल्टा वाई इक्वल टू इसमें भी डेल्टा वाई डेल्टा वाई से, तो ये दोनों कट के वन हो जाएंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हमारा क्या होता है एमपीसी हो जाता है, प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू वन अपॉन के लिख सकते हैं हम लोग, यानी के इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, एक फॉर्मूला यहां भी इराइज होता है, ये भी फॉर्मूला हमारा इराइज होता है, और k is equal to 1 upon MPS, क्योंकि 1 minus MPC is equal to MPS होता है, तो इस वाले फॉर्मूले को भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी तीन फॉर्मूला यहाँ पे राइज होते हैं, पहला फॉर्मूला k is equal to डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा k is equal to 1 upon 1 minus MPC, और तीसरा k is equal to 1 upon MPS। ये तीन फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं एराइज होते हैं यहां से, तो अगर आपको के फाइंड करना हो तो तीन फॉर्मूले को यूज करके आप के की वैल्यू क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से इजिली फाइंड कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई पूरे चैप्टर्स को खत्म कर देने मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अगर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।